बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक पिक्चर मुझे मिली है जी, आपको मैं यहाँ पर बड़ी करके साथ में दिखा दूँ, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, मेरी वीडियो को वहीं पर ब्रेक लगाकर खुद से तसल्ली कर लीजिएगा। इसमें जो लिखा गया है वो जितनी यानी देखिए, जो भाई ने मुझे सेंड किया उसने मुझे ये बताया जी कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरेबिया के वीज़े बंद हैं। ठीक है जी, यानी कि जिन भाइयों ने वीज़े सऊदी अरेबिया के लिए हुए हैं वो फारग हैं जी, वो सऊदी अरेबिया नहीं जा सकते, पाकिस्तान के लिए वीज़े बंद हैं सऊदी अरेबिया के लिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है जी कि आप वो बोलते हैं इसमें पढ़ लें, इसमें बकायदा कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं और पाकिस्तान का इनमें नाम नहीं है। यानी कि लिखा क्या हुआ है आपको साथ में दिखा देता हूँ, आप खुद से तसल्ली भी कर लीजिएगा। मैंने दो दिन पहले एक वीडियो शेयर की जिसमें कुछ मेरे सऊदी अरेबिया से आए हुए भाई साथ में बैठे हुए थे, उनमें से एक यही बोल रहा था कि ये वीज़े जो है ना ये बंद हैं, ये नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले बात ये करूंगा जी मैं कि सब ऐसा नहीं है, सबसे बुरा ये है कंपनीज मुसस्सा के वीज़े लग रहे हैं, बंदे जा भी रहे हैं, आज़ाद वीज़ा कुछ स्टैंप हो रखे हैं, बंदे सफ़र भी कर रहे हैं, और ये गारंटी से है कि भाई मुझे कुछ बताते भी हैं जी, भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा स्टैंप हो गया, मैं सफ़र कर रहा हूँ या मैं पहुँच चुका हूँ। ठीक है जी, हाँ सायखा सांबर मंजिली हारस आमला मंजिलिया छोटे इसी से रिलेटेड कुछ महीने हैं जी जिनमें इशू चल रहा है, उनमें ई नंबर नहीं निकल रहा, किसी का ई नंबर निकल रहा है तो वीज़ा स्टैंप नहीं हो रहा है। इसके मतलब मैं कल वाली वीडियो में भी जिक्र कर चुका था कि खुदारा पहले अपने आप को चेक कर लें, मिसाल के तौर पर क्या आप सऊदी अरेबिया में पहले रह चुके हैं, अगर रह चुके हैं तो भाई क्या आपने अपना सफरी मामला वाला पेपर चेक करवा लिया है, वो जरूर चेक करवा लें। व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप इसके किसी मामले के मतलब मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो पेपर जरूर चेक करवाएं। अगर वो पेपर में कोई किसी किस्म पेपर से मुरादी है वहाँ जवाबात में अगर कोई किसी किस्म की आपके ऊपर मुश्किल है ना तो भाई आपका वीज़ा स्टैम्प नहीं होगा। क्या ये रीज़न तो नहीं आपके वीज़ा स्टैम्प होने की या ई नंबर ना निकलने की? ये अपना मैं बोलता हूँ जी एहतियाती तौर पर ये अपना काम जो है ना ये एक दफ़ा ज़रूर चेक करवाएं, उसके बाद किसी और मामले के मतलब बंदा फिर सोचता है। बहरहाल आपको ये ट्वीट दिखा देता हूँ साथ में यहाँ पर मैं, और इसके मतलब आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, तसली कर लीजिएगा। यहाँ पर लिख लें तो मैं अहतमाद साथ में डिटेल पूरी लिखी है, तशीरात अमल ज़ियारात वाल इकामात, ठीक है जी। और नीचे जो अलमुमलकत फी दौल अलतालिया, और नीचे अमारात अल अरबिया मुतहदा जमहूरिया मिस्र अल अरबिया, एंड आगे लिखा हुआ ममलकत अल उर्दनिया व हाशमिया, और आगे इंडोनेशिया और फिलिपीन है एंड हिंद है और बांग्लादेश है, पाकिस्तान का इनमें नाम नहीं है जी। यानी कि तमाम ज्यारत वाले वीज़े इकामा यानी कि इकामा होल्डर वर्क वीज़े इन तमाम कंट्रीज़ के ओपन है जी सऊदी अरेबिया के लिए, पाकिस्तान का इनमें नाम नहीं है जी यहाँ पर, इसलिए पाकिस्तान के वीज़े सऊदी अरेबिया के लिए स्टैंप नहीं होंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में जैसे कि बता दिया है वीज़े स्टैंप हो रखे हैं और कुछ भाई सफ़र भी कर रहे हैं, कुछ महीनों में मुख्तलिफ है, बात वही है जी, आज आके बात वही ख़त्म होगी कि देखें अगर आपका साय खास आमर मंजरी या इससे रिलेटेड कोई भी महीना है तो चंद दिन वेट कर लें, यानी कि आज एम्बेसी ओपन हुई है और वर्क वीज़ों के मतलब काम शुरू हो चुका है, तो चंद दिन वेट करें, इंशाल्लाह ताला आपका ये ई नंबर का इशू जो है ना वो खत्म हो जाएगा। अगर आने वाले 8-10 दिन तक ये मसला क्लियर नहीं होता है तो वीज़ों के भाई फिर कंफर्म बात है कि हमें महीने चेंज यानी कि पीछे वकाला में सऊदी को बोलकर महीने चेंज करवाने पड़ जाएंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता, पहली बात तो ये कि वकाला में महीना चेंज हो जाएगा, नो टेंशन, अगर खुदा न ख्वास्ता भाई महीना ना चेंज होता हुआ तो फिर वीज़े बदल करने पड़ सकते हैं, यानी कि वीज़ा कैंसिल करके कोई और वीज़ा लेना पड़ सकता है, और इस चीज़ के ऊपर भी कोई इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जहाँ एक तरफ आप फंसे हुए हैं भाई के आपके लाखों रुपए लगे हुए हैं तो वहीं पर उस सऊदी को बोल दें कि या तेरी मेहरबानी है ये वीज़ा कैंसिल करवा के न्यू वीज़ा जारी कर दे, तो वो 500-700 का 1000 रियाल ले भी लेगा तो कोई मुश्किल नहीं है, क्या आपके 2-4 लाख 5 लाख रुपए डूबने से बेहतर है चंद हज़ार अगर लग जाए तो वो नो टेंशन है।